अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस। अब देखें, हमने पहले कुछ चीज़ें इंट्रोडक्टरी फेज़ पढ़ी जो कि कह लो हमारे प्लान का पार्ट थी, ताकि एक रफ वर्क हो जाए, चीज़ें हमें पता लग जाएँ कि इनके क्वेश्चन के आंसर्स हमने करने हैं। देखो, वंस वी हैव डेवलप्ड अ विजन फॉर द ई कॉमर्स प्रेजेंस यू वांट टू बिल्ड, इट्स टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट दैट प्रेजेंस। Building a successful e-commerce presence requires a keen understanding of business, technology, social issues, as well as systematic approach. E-commerce is just too important to be left totally to technologies and programmers. Important management challenges are developing a clear understanding of your business objective, knowing how to choose the right technology to achieve these objectives. देखो, business kind of the day objective क्या होता है? पैसा कमाना। मैं अगेन अक्सर ये बात मैं एंटरप्रेन्योरशिप में करता हूँ कि ऊबर फॉर एग्जांपल है, ऊबर का काम क्या होता है? पैसा कमाना। लेकिन ऊबर का ऑब्जेक्टिव उसने क्या है, जो मेन मिशन स्टेटमेंट क्या है ऊबर की टीम की, क्या है? फैसिलिटेशन थी। अब उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, एप्लीकेशन के थ्रू किया, यानी वो क्या किया है कि एक ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। अब बिज़नेस का कह लो कि एक नई इंडस्ट्री ले आए हैं वो, बाकायदा जो चल रहा है। अब देखो, फर्स्ट चैलेंज रिक्वायर्स यू टू बिल्ड अ प्लान फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग योर फॉर्म प्रेजेंस। द सेकंड चैलेंज रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आपने पहले क्या बिल्ड करना है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना है। देखो, सिंपल सी बात है, घर बनाना है, उसके लिए भी आपको चीज़ें चाहिए तो प्लान करना होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी चीज़ें चाहिए होती है, तो सेम सिनेरियो आपका ई कॉमर्स में है। You can, even if you decide to outsource the development effort and operation to a service provider, you will still need to develop plans and some understanding of the basic e-commerce infrastructure issues such as cost, capability, constraint. Without a plan and a knowledge base, you will not be able to make sound management decision. यानी जो आपने प्लानिंग सारी ऊपर की है, जो हमने डिस्कस की है, अब उसकी बेस पे हमने ये प्रेजेंस क्रिएट करनी होती है। अब देखो, लेट अज्यूम यू आर मैनेजर ऑफ मीडियम साइज इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म इन द म्यूनिश जर्मनी। यू हैव बीन गिवन अ बजट ऑफ 100,000 to develop an e-commerce presence for the firm. The purpose will be to sell and service the firm's customer, who are mostly small machines and metal fabricating shops, and to engage your customers through the website, perhaps via blog, user form. Where do you start? In the following section, we examine developing an e-commerce website, and then at the end of the table, discuss some of the more specific considerations involved in developing mobile site or building mobile application. मैंने अब हमारा पहला काम किया कि हमने वेबसाइट प्रेजेंस की बात करनी है। अच्छा, मेन एरियाज क्या डिसीजन मेकिंग है, जो कि आपके फिगर 3.4 में है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, मैनेजमेंट कह लो, सॉफ्टवेयर कह लो, हार्डवेयर आर्किटेक्ट है। उसके लिए आपको डिज़ाइन भी चाहिए होगा, टेलीकम्युनिकेशन भी चाहिए होगी, और ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगा। तो ये क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, फैक्टर्स हैं आपको ई कॉमर्स। देखो, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आपको एक हायरार्की बनानी है। कौन? देखो, मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं कि HR है, ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए उस मैनेजमेंट के सीट्स को पूरी करने के लिए। मैनेजमेंट हायरार्की बनानी है, फिर आपने सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करने हैं, जैसे आपने PHP पे वेबसाइट डिज़ाइन करनी, जावा पे करनी है, वर्डप्रेस पे करनी है। हार्डवेयर आपको कितना हैवी चाहिए, कितने कंप्यूटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, सर्वर आपने अपना लेना है, सर्वर की सर्विसेज लेनी है। डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन आपका क्या होगा, वर्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, टेलीकम्युनिकेशन आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स। ऑफ कोर्स उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। स्मॉल लेवल पे आप अकेले शायद हैंडल कर लो, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपको बंदे चाहिए होंगे। तो ये बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। देखो, you will need to make decision about hardware, software, and communication infrastructure. Demands of your customer should drive your choice of technology. Your customer will want technology that enable them to find what they want easily, view the product, purchase the product, and then receive the product from your warehouse quickly. यानी पूरा सेटअप आपने कह लो करना है। अब देखो, प्लानिंग, सिस्टम डेवलपमेंट प्लानिंग। अब हम किस पे आ गए हैं? सिस्टम डेवलपमेंट प्लानिंग पे। द मैथडोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सिस्टम एंड डिज़ाइनिंग एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। अब देखो हमने फॉर एग्जाम्पल ऊबर से, ऊबर का मकसद क्या था कि यार लोगों को टैक्सी चाहिए होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको वेट करना पड़ता है रोड्स पे या उन्हें कॉल करनी पड़ती है मोबाइल पे। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई। अब वो क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि लोगों की लाइफ में ईज़ लेके आना है। वो ईज़ लाते लाते उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। अब देखो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली है क्या? इज़ अ मैथडोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सिस्टम एंड डिज़ाइनिंग एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्टिव है, एक प्रॉब्लम ढूंढी है या कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है, उसके सोल्यूशन की तरफ आपने जाना है, उसमें से सिस्टम निकालना है, ठीक है। अब उसके जो 5 मेजर स्टेप्स हैं सिस्टम डेवलपमेंट के, वो क्या? सिस्टम एनालिसिस, प्लानिंग। पहले तो सिस्टम का एनालिसिस करें, प्लानिंग करें, फिर सिस्टम डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए। यानी डिज़ाइन का ये मतलब नहीं ग्राफिक डिज़ाइन से आप बात कर लो, डिज़ाइन का मतलब ये है कि सिस्टम वर्क कैसे करेगा। देखो फॉर एग्जांपल KFC है, आप ड्राइव थ्रू पे जाते हो, आपको पहले ऑर्डर लिया जाता है, या मैकडोनल्ड पे जाते हो, ऑर्डर देते हो, ऑर्डर दे गया, या अगले स्टेप पे जाते हो, आप पेमेंट करते हो, पेमेंट देने के बाद आगे अपना ऑर्डर रिसीव करते हो। डैट इज़ ए सिस्टम डिज़ाइन। अगर वो ये कर देते पहले आप फूड लें अपने, फिर पेमेंट करें, फिर ऑर्डर दें, डैट इज़ ऑब्वियसली एक एम्बिगुअस चीज़ है, सिस्टम नहीं बना। यानी सिस्टम आपने बनाना कैसे है? देखो इसलिए हम कहते हैं Try to be a system, not to be a part of the system. Focus किस पे करो? System पे करो, ना कि part of the system। एक खुद system develop करो, अपने आप को system बनाओ। Building the system, फिर उस system को बताना है, उसकी testing करनी है और implementation करनी है। I know आप लोगों के लिए शायद थोड़ी चीज़ें ये इस लिहाज से मुश्किल है कि you are not IT expert, पर ज़रूरी नहीं है इस फील्ड में आपके लिए IT एक्सपर्ट होना। यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर रादर देन अ हार्ड वर्कर। देखो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, अगर हार्ड वर्क में पैसा होता तो नौकरियों वाले अमीर होते। आजकल नौकरी वाले अमीर होते क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं। तो स्मार्ट वर्क क्या है? देखो देयर आर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कि आप उनको थोड़ा सा लर्न करके आप खुद से वेबसाइट बना सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स जब आपका काम बढ़ जाता है तो आपसे अकेले वाला काम नहीं, आपको फिर एक टीम चाहिए होती है। अब देखो सिस्टम एनालिसिस, प्लानिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सिस्टम फंक्शनैलिटी, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। अब देखो द की पॉइंट इज टू लेट द बिजनेस डिसीजन ड्राइव द टेक्नोलॉजी, नॉट द रिवर्स। आपने ऐसा काम करना है कि आपकी टेक्नोलॉजी ही बिजनेस को ड्राइव करे। दिस विल इंश्योर डैट योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज अलाइंड विद योर बिजनेस। यानी जो टेक्नोलॉजी यूज करें और बिजनेस अलाइंड है। वी विल अज्यूम डैट यू हैव आइडेंटिफाई अ बिजनेस स्ट्रेटजी एंड चूज अ बिजनेस मॉडल टू अचीव योर स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव, बट हाउ टू ट्रांसलेट योर स्ट्रेटजीज, बिजनेस मॉडल्स एंड आइडियाज इनटू वर्किंग ई कॉमर्स। उसको आपने क्या करना है? वर्किंग ई कॉमर्स पे लाना है। देखो फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की यहाँ पे बात हुई है, सिस्टम एनालिसिस की है, सिस्टम डिज़ाइन की है, बिल्ड अ सिस्टम की है, टेस्टिंग की, इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अगर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आई है तो अगेन गो टू द स्टेज 1। क्लियर हुई है बात? कुछ समझ लगी है? वो परेशान नहीं होना, इंजॉय करना है। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ यार कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटेट करूँ, ईजी चीज़ें लेकर आऊँ, आसान से समझाऊँ, ताकि आप लोगों के कोई चीज़ काम आए आगे जाके ना। देखो कोटा नहीं पूरा करना, कुछ सीखनी है ना, कुछ चीज़ें समझ तो है ना, कुछ चीज़ें बेनिफिट तो दें आपको। अब देखो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपेबिलिटीज़ यू वांट योर साइट टू हैव, यानी आप क्या क्या फीचर्स चाहते हो, आप उस साइट से क्या क्या। देखो एक होती है वेबसाइट खाली इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, जैसे टोयोटा मोटर्स वेबसाइट पे आप जाते हो, वहाँ पे हो सकता है आप गाड़ी बुक ना करा सको, वहाँ पे आपको हाल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कई जगह पे आपको प्रोडक्ट्स बकायदा लिस्ट करनी पड़ती हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है कि बेसिकली आप चाहते हो कि लोग देखें वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, फिर हमसे आगे परचेज़ करें। कई जगह आप कहते हो वहाँ पे भी परचेज़ कर सकते हो, यानी आपकी क्या क्या वांट्स, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर वेबसाइट टू डू, दैट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। देखो, सिस्टम फंक्शनैलिटीज, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैपेबिलिटीज यू विल नीड टू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी वो क्या कैपेबिलिटीज और क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी ताकि आपकी वेबसाइट वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है, द सिस्टम एलिमेंट दैट द सिस्टम मस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो वो हमारी इंफॉर्मेशन एलिमेंट है कि हमें रिक्वायर्ड है कि हमें ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव अचीव हो। क्लियर हुई है बात। सेकेंड आता है सिस्टम डिज़ाइन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। आपको पता होना चाहिए आपको किस लेवल का हार्डवेयर सर्वर चाहिए या आपकी वेबसाइट आपका नॉर्मल कंप्यूटर हैंडल कर लेगा, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब देखो फिर तीसरे नंबर पे आपके पास सिस्टम एनालिसिस आ जाता है, इसके अंदर ही आपके सिस्टम डिज़ाइन में बेसिकली क्या बताया उन्होंने, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या, डिस्प्ले गुड्स, सिस्टम फंक्शनैलिटी, डिजिटल कैटलॉग, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, डायनामिक टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यानी हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ डिस्प्ले गुड्स करनी है, हमने क्या किया एक कैटलॉग बना दी, PDF फाइल में बना के रख दी है, उस पर क्या टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होंगे। हमें क्या चाहिए, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करनी है, ऑब्जेक्टिव है हमारा। हम एक शॉपिंग कार्ट पेमेंट सिस्टम बनाते हैं, फिर हम वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड, क्लियरिंग, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दे दी। अब ये क्या है, सिस्टम ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा सिस्टम फंक्शन करेगा ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव थ्रू दैट फंक्शन। क्लियर हुई है बात। अब देखो लॉजिकल डिज़ाइन, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट योर ई कॉमर्स साइट। द अब देखो डिज़ाइनिंग फेज़ में आपको दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एक लॉजिकल बात हो रही है, एक फिज़िकल है। अब देखो लॉजिकल क्या है, बेसिकली आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है। अब देखो फ्लो डायग्राम डैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट योर ई कॉमर्स साइट, द प्रोसेसिंग फंक्शन डैट मस्ट बी परफॉर्म एंड द डाटा बेसिस डैट विल बी यूज। The logical design also includes a description of the security and emergency backup procedure that will institute and the control that will be used in the system. Up on the other hand, a physical design translates the logical design into physical component. For instance, the physical design details a specific model of servers to be purchased, the software to be used, and the size of the telecommunication link that will be required. देखो फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट में हम डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, हमें लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं कि बंदा आए शॉपिंग करें, शॉपिंग करके फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी हो जाए, तो हमें फिर वो क्या है उस तरह का फिजिकली चीज़ें दिखानी है, उस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। देखो लॉजिकल डिज़ाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए स्टूडेंट एंटर हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पार्किंग स्पेस शुरू में रख दी जाए, थोड़ा सा आगे जाएं तो उनको एडमिशन ऑफिस वगैरह मिल जाए, आगे जाके फिर क्लासरूम्स वगैरह आ जाएं, उनकी सारी चीज़ें लाइब्रेरी आ जाए। ये लॉजिकल एक मैंने थिंकिंग प्लेटफॉर्म में एक वर्चुअल स्टैंड किया, उसको जब फिजिकल फॉर्म में लाएंगे तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल। फिर हमारे पास आते हैं ये एग्जाम्पल देख लो, वेबसाइट कस्टमर HTTP रिक्वेस्ट, वेरीफाई लॉगिन, कस्टमर डेटाबेस बन रहा है, फिर इसके बाद देखो शिप प्रोडक्ट्स, परचेज प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले कैटलॉग, परचेज प्रोडक्ट्स, वेबसाइट पे जाएगी, फिर कस्टमर डेटाबेस बन रहा है। तो ये डिफरेंट आपका डाटा फ्लो कर रहा होता है। अब देखो कस्टमर है, इंटरनेट है, योर फर्म वेबसाइट है, उसके बैक एंड पे सर्वर है, ऑनलाइन कैटलॉग है, मेन है, शॉपिंग कार्ड है, सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई है, यानी जो फिजिकली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब देखो बिल्डिंग द सिस्टम, आपने एनालिसिस किए, डिज़ाइन की बात की, अब हम बिल्डिंग द सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब देखो बिल्डिंग द सिस्टम में बेसिकली क्या कह रहे हैं, कि आपने सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है। हायरिंग एन आउटसोर्स वेंडर टू प्रोवाइड द सर्विस यू कैन नॉट परफॉर्म विद इन हाउस पर्सनल। आउटसोर्सिंग आपको आइडिया हो गई, अक्सर हमें चीज़ें आउटसोर्स भी करनी पड़ती हैं। अब देखो, जब भी आपने सिस्टम को बिल्ड करना है तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक इन हाउस होती है, एक आउटसोर्स होती है, बेसिकली कम्बिनेशन है। अब उसमें क्या आपके पास होस्टिंग होती है, ऑफ कोर्स अपनी होस्टिंग करना, सर्वर लेना इट्स एक्सपेंसिव, तो लो होस्टिंग लोग क्या करते हैं आउटसोर्स कर लेते हैं। अब दो चीज़ें, एक बिल्ड करना है और एक होस्ट है। कम्प्लीटली इन हाउस यानी सारा काम आप खुद कर रहे हो, मिक्स्ड आपने बिल्डिंग के लिए आउटसोर्स कर दिया, होस्टिंग आपकी अपनी है, आपने बिल्ड खुद की है, होस्टिंग आपने आउटसोर्स कर दी है, कम्प्लीटली आउटसोर्स, दोनों चीज़ें आउटसोर्स कर दी। और डैट इज़ बेसिकली क्या है, आपके पास जो बेस्ट कम्बिनेशन बनता है ना वो कि बिल्ड खुद करो और होस्टिंग आप ले लो। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पता तो इस ऑप्शन पे आप जा सकते हो, डैट विल नॉट कॉस्ट यू मच, इतने ज़्यादा पैसे इस चीज़ पे नहीं लगते। अब देखो, ऑफ कोर्स जब आप वर्डप्रेस की बात करते हो कि अब मैंने पहले बताया जैसे ओपन सोर्स कंटेंट है, जब आपने बनानी है अपनी वेबसाइट, आपको जावा वगैरह नहीं आती, तो वर्डप्रेस जिस तरह आपका नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर होता है उसी तरह सॉफ्टवेयर है, उस पर जाके आपने थीम इंस्टॉल करना है, आपने प्लग इंस्टॉल करने हैं, आपकी वेबसाइट तैयार हो जानी है। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करो आपको डिफरेंट वर्डप्रेस की चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग चीज़ों को समझने लग जाओगे। मैं अभी देखता हूँ, अगर अब देखें मैंने एक अपनी वेबसाइट है उसका मैंने बैकग्राउंड सर्च किया, अब देखें इसमें सारी ऑप्शंस हैं, यानी पोस्ट मैंने लगानी है यहाँ से लगानी है, मैंने मीडिया यहाँ से देखने, पेजेस मैंने यहाँ से कंट्रोल करने, कमेंट्स यहाँ पे आ रही है, अपीयरेंस ये आ रही है, प्लग इन टूल्स। अब ये मेरा डेस्कटॉप है, ये होम है, ये क्या है एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। अब इसको ईज़िली मैं जो है ना चीज़ों को अपने ईज़िली मैनेज कर सकता हूँ। योस्ट एसईओ मैंने किया हुआ है जिसका ये स्कोर मेरे पास आ रहा है कि डिफरेंट मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कह लो कि वेबसाइट्स हमारे में मोस्टली मेरा गुड में जा रही हैं चीज़ें, तो एसईओ ये अब बेसिकली सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान होती हैं जो इजीली मैनेजेबल होती हैं, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट इसमें चीज़ें नहीं है कि आपका वर्डप्रेस का बाकायदा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, उतना टाइम भी नहीं लेता। फिर आप डिफरेंट पोस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल पोस्ट पर क्लिक करता हूँ कि मेरे पास पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल हैं। अब ये सारी पोस्ट मेरी पड़ी हुई हैं, डिफरेंट पेजेस पे आ रही हैं, जो टोटल 22 आइटम्स हैं, इनको डिलीट करना है, इनको ट्रैश करना है, इनको एडिट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे एक सिंगल क्लिक पे पड़ी हुई हैं। तो ये idealblog.com बेसिकली मेरी वेबसाइट है जो theidealblog.com मैंने जस्ट अपने लिए डिज़ाइन की हुई है। तो ये बेसिकली होता है कि आप आउटसोर्स अपना बनाते हो, आउटसोर्स भी कर सकते हो, आउटसोर्स पर नो डाउट थोड़े से पैसे आपके ज़्यादा लगते हैं, अपनी मेहनत है, टाइम जितना लगा लो आप। फिर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेसिफिक डिज़ाइन टू मैनेज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डाटा एंड ऑब्जेक्ट इन अ वेबसाइट एनवायरनमेंट। अब ये भी ईजिली अवेलेबल होते हैं चीपेस्ट कॉस्ट पे कि चीज़ें मैनेज करना, आप वर्डप्रेस हर चीज़ ये आपको करके दे रहा है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब तो विक्स आ गई, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब उस पर भी काम कर सकते हैं। अब देखो, यूज़ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, गूगल साइट्स, याहू, एबक और स्मॉल बिजनेस, ये प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, आप लोग यहाँ से कोई भी उठाओ आप इस पर बना सकते हो, जो कि लेस एक्सपेंसिव है। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, HTML है, SQL है, ड्रीमवीवर है, विजुअल स्टूडियो है, ये एडवांस है, ये IT एक्सपर्ट कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, खैर आप में से शायद कुछ लोग कर सकते हो। यूज़ पैकेज साइट्स, बिल्डिंग टूल्स, साइट स्टोर, कॉमर्स सर्विस, IBM वेब स्पेस, यानी कुछ आपको बनी बनाई चीज़ें पूरा पैकेज दे देती हैं, एक नए अर्से के लिए चीज़ मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हमें देखनी पड़ती हैं वेबसाइट जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं, कि हम इन हाउस बनाएं या आउट हाउस बनाएं। देखो, इफ़ यू चूज़ मोर एक्सपेंसिव साइट बिल्डिंग पैकेजेस यू विल बी परचेजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर डैट इज़ वेल टेस्टेड, You could get a market sooner. However, to make a sound decision, you will have to evaluate many different packages, and this can take a long time. अगर आप packages लेते हो, built-in लेते हो, आप 4 चीज़ें उसमें testing होगी, सारी चीज़ें secure होंगी. It will cost you more as well. The cost of customizing e-commerce software package, implementation cost factors यहाँ पे आ जाते हैं, percent lines of code change. तो जिस तरह आप change करवाते जाओगे आपकी cost भी increase करती जाएगी. क्लियर हुई है बात. होस्ट योर ओन वर्सेस, देखो, व्हेन अ फर्म परचेज अ लीज वेब सर्वर हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर बट लोकेट्स अ सर्वर इन वेंडर्स फिजिकल फैसिलिटी, द वेंडर मेंटेन्स द फाइनेंशियल कम्युनिकेशन लाइन्स एंड द मशीनरी. देखो, अपना लेते हो सर्वर, नो डाउट एक सिक्योर है. आप देखो, बड़ी कंपनीज अपने सिस्टम लेती हैं, अमेजोन है, ईबे है, अलीबाबा है, इनके अपने सर्वर्स हैं, अपना सारा सेटअप है. लेकिन हम जब छोटे लेवल पे बात करते हैं तो शायद हम चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को आउटसोर्स ही कर लेते हैं. क्लियर है. इसकी केस स्टडी आप लोग पढ़ लेना. विबली मेक्स क्रिएटिंग वेबसाइट्स इजी, एक साइट है जहाँ से आप इजीली वेबसाइट्स बना सकते हो. इसके कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है. टेस्टिंग ऑफकोर्स डिफरेंट टेस्टिंग फेजेस होते हैं, जैसे यू इन्वॉल्व टेस्टिंग द साइट्स प्रोग्राम मॉड्यूल वन एट अ टाइम, इन्वॉल्विंग टेस्टिंग द साइट एज अ होल इन अ वे दैट टिपिकल यूज़र विल यूज इज वेबसाइट. यानी यूनिट टेस्टिंग है कि आप कोई एक मॉड्यूल एट अ टाइम चेक कर रहे हो. सिस्टम टेस्टिंग में कि कस्टमर आया, कस्टमर ने चीज़ें परचेज़ की हैं, ऐड टू कार्ट की हैं, उसने पेमेंट की है, वो सारा सिस्टम चेक करना. Verifies that the business objective of the system as originally conceived are in fact working. कि आपने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी है कि जो हमने सोच के बनाया था सिस्टम की, हम ये हमारी ज़रूरत थी वो हुई कि नहीं. फिर एक AB टेस्टिंग होती है, अल्फा ब्रावो टेस्टिंग, जो फेसबुक के एड्स में भी लोग करते हैं कि पहले टेस्ट करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, उसके मुताबिक एडवर्टीजमेंट कम्पेन चलाते हैं. इन्वॉल्व शोइंग टू वर्जन ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट टू डिफरेंट यूज़र टू सी विच वन परफॉर्म्स बेटर. तो यहाँ पे आपके डिफरेंट वर्जन्स दिखाए जाते हैं कौन सा बेहतर है. फिर मल्टी वेरिएंट टेस्टिंग होती है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स, क्रिएटिंग वर्जन्स फॉर ईच एलिमेंट एंड देन क्रिएटिंग अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ ईच एलिमेंट वर्जन ऑफ टेस्ट. यानी आपके में डिफरेंट वर्जन बना लेते हो, डिफरेंट मतलब आप कह लो कि इन सब के कम्बिनेशंस के साथ भी आप टेस्टिंग कर सकते हो. तो ये आपके डिफरेंट कह लो कि फिर इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस, उसको इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है. बेंचमार्क आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेल, ठीक है. तो नेक्स्ट हम फैक्टर्स इन ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स. बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले आप पेज कंटेंट है, यानी आपके पास ऑप्टिमाइज इमेज, साइट आर्किटेक्चर, एफिशिएंसी, पेज स्टाइल, आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया, यानी वो सर्च इंजन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो. पेज डिलीवरी यानी पेज जनरेशन, पेज कंटेंट मिलके आपकी क्या है, पेज डिलीवरी कर रहे हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एज कैचिंग, बैंडविड्थ. यानी देखो, अक्सर आप देखते होंगे कि आप क्या कहते हैं, मोबाइल पे खोलो तो शायद वेबसाइट प्रॉपर नहीं खुलती, डेस्कटॉप पे सही खुलती है. तो ये सीरीज मतलब आपने ऑप्टिमाइज वेबसाइट करनी है कि यूज़र एक तो सर्च इंजन को शो करे, कैच करे. फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई है कि आप मोबाइल डिवाइस से सेल करते हो, लेकिन आपने उसके अंदर आपका गूगल वो चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि आपकी सेल किस चीज़ की है, क्या पर्पज़ है उसका. तो बेसिकली ये चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि आपने किस तरह वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करनी है. तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़.